हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वर्चुअल आर्डिनो क्या होता है। इसको सीखने के लिए सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आपको इंटरनेट और दूसरा चाहिए एक लैपटॉप। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आपको दो चीजों का बहुत खास ख्याल रखना होता है। पहला होता है उसका सर्किट कनेक्शन और दूसरा होता है उसका लॉजिक। और इन दोनों ही कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वर्चुअल आर्डिनो प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो इसके लिए गूगल में आपको टाइप करना है Tinkercad। तो दोस्तों, आप यहां पर इसका लोगो देख सकते हैं Tinkercad का। बेसिकली दिस इज अ फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर फॉर दिस सिमुलेशन पर्पस। आपको यहां पर क्लिक करना है। दिस इज ओपनिंग। सो दोस्तों, ये है इसका इंटरफेस। जब आप फर्स्ट टाइम यहां पर विजिट करेंगे Tinkercad की जो ऑफिशियल साइट है, तो आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। सो दोस्तों, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहां पर क्लिक करना है सर्किट्स पर। इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू सर्किट पर। इसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा। आप एक्सट्रीम राइट साइड में देखें, आपके पास यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, रेसिस्टर, एलईडी एंड सो ऑन। आप जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की लिस्ट है। आप इनमें से कोई भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को यूज करने के लिए आपको इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहां पर। तो जैसे ही आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सिमुलेट कर सकते हैं आसानी से। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपका सर्किट है उसका आउटकम मिल जाएगा कि वो सर्किट आपका सही है या फिर गलत। लेफ्ट साइड में आपको यहां पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने सर्किट को रोटेट कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट को डिलीट कर सकते हैं, और ये आपका अंडू और रीडू का ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं आर्डिनो यूनो R3 की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट लिस्ट है, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाता है आर्डिनो यूनो R3। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपके सामने जो आर्डिनो यूनो है आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं कि ये यहां पे डिस्प्ले हो चुका है। आप इस आर्डिनो सर्किट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं आपके माउस की हेल्प से। तो जैसे ही आप इसको जूम करते हैं, तो आप हर एक पिन को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर एक कंपोनेंट को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं बात करूं आर्डिनो यूनो सर्किट के पार्ट्स की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज योर पावर जैक। ये बेसिकली एक्सेप्ट करेगा 7 से 12 वोल्ट का DC इनपुट। और यहां पर आपको मिल जाता है वोल्टेज रेगुलेटर, और इसकी शक्ल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि यह है आपका USB प्लग। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि दीज आर दी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। इन सभी पिंस के नीचे आपको यहां पर ऑन लिखा हुआ दिख जाएगा। बेसिकली दिस इज योर पावर LED इंडिकेटर। और ये है दोस्तों आपका Atmega 328 माइक्रो कंट्रोलर। और इस माइक्रो कंट्रोलर के नीचे आपको यहां पर मिल जाएंगी कुछ पिंस, जिसकी हेल्प से आप पावर सप्लाई ले सकते हैं 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज। और यहां पर आपको मिल जाएंगी एनालॉग इनपुट पिंस। दोस्तों, कितना अच्छा होगा अगर आपको बना बनाया सर्किट मिल जाए और सिर्फ आपको एक क्लिक करना पड़े स्टार्ट सिमुलेशन पर और आपको उसका आउटकम मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इस केस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर बार कंपोनेंट लेके आना पड़ेगा और आपको सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्वो मोटर को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको सर्किट को बनाना पड़ेगा। और अगर आपका सर्किट गलत हुआ, तो आपका जो सिमुलेशन है वो गलत हो जाएगा, आपका जो सर्किट है वो गलत होगा। और अगर आपको सर्किट बना बनाया चाहिए, सिर्फ आपको यहां पर क्लिक करके उसका आउटकम मिल जाए, सिमुलेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको यहां पर जाना है। आप यहां पर देख सकते हैं राइट साइड में एक कंपोनेंट का आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद आपको यहां पर स्टार्टर्स में जाना है। स्टार्टर्स में आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा आर्डिनो। तो आर्डिनो पर आप क्लिक करें, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर बहुत सारे आर्डिनो दिख जाएंगे। पहला है ब्रेडबोर्ड के साथ आपको एक आर्डिनो दिख जाएगा। यहां पर ब्लिंक सर्किट है, ऑलरेडी वो बना हुआ है, जो आर्डिनो है उसके साथ वो सर्किट बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ओके, यहां पर ये डिलीट हो चुका है। लेट्स से हमको यहां पर एक LED ब्लिंक करानी है और ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो इसके लिए यहां पर इसको क्लिक करें
और यहां पर आपके पास मिल जाएगा आपका आर्डिनो सर्किट। इसको थोड़ा छोटा कर ले। ओके, मैंने जूम आउट कर लिया है। ओके, मैं इसको रोटेट कर लेता हूं, आप यहां से इसको रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं कि ये जो पिंस हैं, पहली जो पिन है आपकी 13 पर है और फिर आपका ग्राउंड, ठीक है। तो हमने यूज किया है यहां पर रेसिस्टर और यहां पर है आपकी एलईडी। आप यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आप यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मैं एलईडी पर क्लिक करता हूं तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, लेट मी मेक दिस ब्लू। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू हो चुकी है। इवन आप जो वायर है, वायर का भी जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट मी मेक दिस टर्कोइस। तो आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है, इट लुक्स बेटर। दोस्तों यहां पर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम कोड कैसे अपलोड करेंगे इस आर्डिनो सर्किट के अंदर। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर आपको कोई भी कोड अपलोड नहीं करना है। जब आपने ये सर्किट यहां पर डिसाइड किया है तो इसका मतलब है जो कोड है वो बेसिकली इनबिल्ट है, आपको कोड कहीं से फैच नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है और कंप्लीट भी हो चुका है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एलईडी है वो ब्लिंक हो रही है, आप ब्लिंक होते हुए इस एलईडी को देख सकते हैं। और यहां पर आप इस यूएसबी को थोड़ा ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, तो यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा पावर सप्लाई का। तो बेसिकली जो कोड है वो फैच हो चुका है, अपलोड हो चुका है और ये काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से सबसे पहले आप वर्चुअल कनेक्शन बनाना सीख सकते हैं इस आर्डिनो सर्किट का, और उसके बाद आप एक फिजिकल आर्डिनो घर पर लेकर आ सकते हैं, कोई भी सर्किट आप डिजाइन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों इस साइट के बारे में, टिंकर कैड ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, सो दैट कि उनको भी कुछ सीखने को मिले। आप इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की हेल्प से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ओके, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं। स्टॉप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो यूएसबी है ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, ये डिलीट हो जाएगा, इसको भी डिलीट कर दें। लेट से मुझे चेक करना है ये वाला सर्किट, फेड वाला, तो यहां पर क्लिक करें और आपका जो सर्किट है यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है और यहां पर आपका सर्किट आ जाएगा। आप पॉइंटर यहां पर लेके आए और इसको यहां पर छोड़ दें। सो वंस अगेन आपको क्या करना है, सिंपली स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया सिमुलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो एलईडी है ये बेसिकली फेड हो रही है, थोड़ा थोड़ा डिम हो रही है। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान और शानदार तरीका है, आप घर बैठकर लैपटॉप की हेल्प से, इंटरनेट है तो आप आसानी से कोई भी आर्डिनो का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आज सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।